दूरदर्शन पर आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 का प्रसारण। जब हम सिनेमा जगत की बात करते हैं तो उसका विश्व बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम बच्चों के सिनेमा की बात करें, चिल्ड्रन फिल्म्स की, आखिरकार उनको लेकर कितना फोकस किया जाता है, चलिए बातचीत करते हैं। इस समय स्टूडियोज में हमारे साथ हैं श्री संदीप अदनायक, आप चिल्ड्रन फिल्म एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप जी। नमस्कार। तो सबसे पहले बताइए कि जब हम बच्चों के लिए बात करते हैं तो कितना बड़ा फिल्म जगत है उनके लिए? देखिए, हमारे यहाँ तो भारत में बच्चों के फिल्म जो है उसके ऊपर फोकस करना बहुत कम हो गया है। मुझे पहले से, जब पहली बार फिल्म बनाए थे तो चिल्ड्रन बच्चों को लेके कुछ फिल्म बनाते नहीं थे। अभी ऐसा हुआ है कि उसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता मीडिया के माध्यम से या फिल्म के लोगों से माध्यम से बढ़ रही है। तो कौन कौन सी फिल्में आप उल्लेख करेंगे गत वर्षों में जो बनी हैं और आपके लिहाज से बच्चों की बहुत ही अच्छी फिल्में रहीं वो? देखिए, आई एम कलाम जो फिल्म है पहली फिल्म है। Okay. पहली ही नहीं है। अच्छा। लेकिन वो जो ऐसी फिल्म है जो उसका बच्चों का भावी विश्व जो है उसको दिखाता है, और ये पहली बार हुआ है कि उसको बहुत लोगों सराहाया है। कलाम बनना तो आम, कलाम किसी को बनना तो आम बात नहीं है, लेकिन उस बच्चों के मन में जो भावना है उसके जरिए हम आम बच्चों को उसकी प्रेरणा बना सकते हैं। और जैसे हमने देखा है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गट्टू, गौरू, पप्पू की पगडंडी, कैंबल में अलग से एक चिल्ड्रंस फिल्म विलेज है। अच्छा, वो उसके जरिए तो हम बच्चों के साथ जाना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 2020 में जो IFFI आएगा तो उसमें से उसके लिए अलग सेक्शन होगा, तो हमें बहुत खुशी होगी कि बच्चों के लिए अलग होगी। लेकिन वो देखने वाले बच्चे भी होने चाहिए, ऐसा जैसे इस बार विजुअली इम्पैक्ट के बच्चों के लिए कुछ अलग किया गया है IFFI में, तो अगले साल हम देख सकते हैं कि वो बच्चे भी, आम बच्चे भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी, इस बार हमने देखा कि फिल्म महोत्सव में बहुत से दृष्टिबाधित बच्चों ने भी भाग लिया, और खासतौर पे जो एक्सेसिबल इंडिया सेक्शन था उसमें 3 फिल्में दिखाई गई, लगे रहो मुन्ना भाई, MS धोनी और एक गोअन फिल्म थी, कोंकणी फिल्म, क्वेस्टाओ दे कन्फ्यूज आओ। पर कौन कौन से विषय हैं जो आप कहेंगे इन विषयों पर ज़्यादा केंद्रित रहें और ये बच्चों को बहुत आकर्षित करेंगे? देखिए, बच्चों को बहुत, अभी की जो दुनिया है वो मोबाइल से जुड़ी हुई ज़्यादा लगती है। पहले तो ऐसा नहीं था, बुक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे बच्चे, तो बच्चों को पढ़ाना है वो है, तो उसके हिसाब से वो व्हाट्सएप में अभी नया वर्जन आ रहा है तो उसके हिसाब से वो बच्चे अभी देखना चाहेंगे। अच्छा। कि वो क्या कर सकते। अच्छा। अभी देखो, हम कोल्हापुर में चिल्ड्रन पार्टी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो चलाते हैं वो 2012 से चलाते हैं स्कूल। अच्छा। में। अच्छा। उसका शुरू किया तो एक स्कूल के होके होके वो बड़ा हो गया है, अभी 8 बरस हो गया है। अच्छा। कि हम हफ्ते एक महीने में एक बार वो फिल्म फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाते हैं। अच्छा। बच्चों के लिए। अच्छा। और 2 दिन का उनके लिए फिल्म फेस्टिवल बनाते हैं। तो कुछ फिल्मों को उल्लेख करिए ना जिनको बच्चों ने, जैसे कि रेड फिल्म है, बलून फिल्म है, हैची द डॉग स्टोरी है, ऐसे जो बहुत से वर्ल्ड के फिल्म है। और कहानियाँ क्या थी इनमें? इनमें कहानी बच्चों की, बच्चों से जुड़ी हुई थी, जैसे कि रेड बलून है, वो एक छोटा सा बलून के ऊपर वो लेके वो उसके होता है। अच्छा। हैची को दो डॉग स्टोरी तो सबको मालूम है, उसमें एक छोटा सा कुत्ता है जो अपने जो अपना पालक है उसका, तो वो अगर उसका डेथ हो गया उसके बाद भी वो 20 बरस तक वो उसकी राह देखता रहता है, तो यह ऐसी इंस्पायर्ड स्टोरी होती है वहाँ पर। इस तरह की फिल्म जो है तो बहुत अभी आनी चाहिए, जैसे कि इस फिल्म में, फेस्टिवल में द स्टीड करके जो फिल्म आई है, तो वो स्टीड फिल्म बहुत, इतना उसका लगाव है, तो वो बच्चा और घोड़े का जो एनिमल है वो स्पेशल एनिमल है, तो उसका जो रूट्स है वो उसको मिलना चाहिए, इसके लिए वो पूरी फिल्म उसके बारे में। और तो ऐसी फिल्म, अगर आप देखिए कि फिल्म महोत्सव में जो क्लोजिंग फिल्म रहेगी मार्गे एंड हर मदर, उसमें मार्गे भी 6 साल की एक बिटिया है, बिटिया तो है, क्या इसे भी फिर आप बच्चों के लिहाज से देखेंगे या फिर क्योंकि वो सीरियस ड्रामा है तो वो अलग कैटेगरी में हो गई? नहीं, देखिए, ये हो सकता है, लेकिन उसमें अगर बच्चा केंद्रित है फिल्म के, हाँ जी, तो बच्चों के लिए भी
उसके लगा होगा जा वो देखेगा और ऐसी फिल्म तो आनी चाहिए, वो बार बार आनी चाहिए। जैसे मराठी में सही परांजपे थी पूर पैसे, तो उन्होंने बच्चों के लिए फिल्में दिखाई थी, बहुत से लोगों ने उसके ऊपर जैसे कि मासूम आपने पता होगा, लेकिन उस वो थोड़ा सा अलग टाइप का फिल्म था, लेकिन प्योरली बच्चों को केंद्रीभूत करके फिल्म आनी चाहिए। हैं जैसे साई प्रांजपे का आपने नाम लिया, और कौन से डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया है, जिन्होंने इस दिशा में कार्य किया है? नहीं, अभी तो सुजय डहा के जो मराठी में बहुत अच्छा वेल नोन डायरेक्टर है, जिसने शाला नाम का जो मराठी फिल्म है उसने बहुत धूम मचाया था। इस बार वो उसके लैंग्वेज से लेकर इस फिल्म में अभी इफ्फी में उसका भी तुझा आइला ऐसे नाम से वो फिल्म बना रहे, रिलीज हो गई वो है। ऐसे और भी है, हम और इसके बारे में हमारे चिल्लर पार्टी के बारे में बताना चाहेंगे कि हम बच्चों को शॉर्ट फिल्म कैसे बनाते हैं उसका शो में ये करते हैं। अच्छा। हाँ, और उसके बारे में अमोल पालेकर जी हमारे यहाँ आए थे। अच्छा। और उन्होंने उस गैदर करके उस बच्चों को कैसे फिल्म बनाते हैं उसके बारे में बताया। अच्छा। और उसी दिन उस बच्चे ने अपने मोबाइल पे फिल्म भी शूट की थी। और इस बार हमने देखा 72 घंटों का शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन है यहाँ पर भी। यस, उसी तरह बच्चों का उसमें अगर बच्चों ने बनाया है तो उसके लिए अलग एंट्री शायद कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। यह ऐसी फिल्म फेस्टिवल, फिल्म की ये बात है बच्चों की, तो बहुत सभी जगह फैलानी चाहिए। तो आखिरी सवाल, जैसे ईरान, नीदरलैंड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं बतौर देश, तो आपको लगता है भविष्य में भारत भी अच्छा करेगा चिल्ड्रंस फिल्म को लेकर? यस, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ईरान की फिल्मों से लेकर हम बहुत इंस्पायर्ड है। हाँ, तो जैसे कि चिल्ड्रंस ऑफ हेवंस की जैसी फिल्म है, बिल्कुल ठीक, वो बहुत अच्छी फिल्म थी, और उसका जो उसका लैंग्वेज मतलब नहीं करता उस फिल्म में, वो बच्चों का जो बिहेवियर है वो लैंग्वेज करता है, और उससे लेकर आंखों में पानी नहीं आया है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, कोई पालक नहीं होगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। तो ऐसी फिल्म तो हमारे यहाँ बनते हैं, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। जी, चलिए उम्मीद करते हैं समय के साथ चिल्ड्रंस फिल्म को भी बढ़ावा मिलेगा। आज इस विषय पर आके चर्चा करने के लिए संदीप अदनायक जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो जैसा संदीप जी ने कहा, चिल्ड्रंस ऑफ द हेवंस हो, आई एम कलाम हो, या जैसे तारे ज़मीं पर पिक्चर आई थी, ऐसी बहुत सी पिक्चर बनी हैं, और बच्चों के लिए खासतौर पर फिल्में भी सशक्त माध्यम हो सकती हैं मनोरंजन का भी।